नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज बात करूंगी आपसे लग्न लॉर्ड के विषय में, क्योंकि मैं बहुत सारे लगभग 500 वीडियोस अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूं ज्योतिष के बहुत महत्वपूर्ण विषयों को आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब धीरे धीरे करके हम ज्योतिष के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर स्पेसिफिक हॉरोस्कोप देखने के लिए किस तरह से आपको मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ। तो लग्न लॉर्ड की जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, आज उस पर बात करूँगी। लग्न लॉर्ड जिस भाव में भी जाएगा उसमें क्या प्रभाव होंगे, इस पर भी बात होगी। और लग्न लॉर्ड इन जनरल आपके लिए क्या क्या कर सकता है। लग्न लॉर्ड का मतलब होता है आपकी कुंडली में पहले घर में जो नंबर पड़ा हुआ है उस राशि का स्वामी जो होता है वही आपका लग्न लॉर्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में दो नंबर पड़ा हुआ है, यानी कि पहले घर में दो नंबर है, तो यानी कि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं और वृषभ लग्न के या वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो आपके लग्न लॉर्ड शुक्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो लग्न लॉर्ड कैसे देखते हैं मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं कि किस तरह से लग्न लॉर्ड आपकी कुंडली का हीरो होता है। लग्न लॉर्ड आपकी कुंडली का अल्टीमेट बेनिफिक प्लैनेट है। अल्टीमेट बेनिफिक प्लैनेट का मतलब होता है अति शुभ ग्रह, आपका सेवियर है, आपकी एनर्जी है, आपके लिए आपकी मतलब पूरा शरीर ही उस ग्रह से रूल होता है। हमारी जो स्थूल शरीर है वो ग्रह रूल करता है। ये ग्रह आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ भी मतलब लग्न जो है वो आपका आपकी एग्जिस्टेंस है, आपकी सोशल प्रेजेंस है। तो किस तरह से अलग अलग भावों में जाकर लग्न लॉर्ड क्या करता है उस पर बात होगी। और ये भी अलग अलग भावों में भी नहीं, मैं आपको आज, क्योंकि शायद इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं आज आपको समझाऊंगी किस तरह लग्न लॉर्ड डिफरेंट हाउस में जाकर उस भाव के लिए क्या कर सकता है। ये बात आज हम करेंगे बेसिकली। सो लग्न लॉर्ड के विषय में कोई भी ग्रह आपका लग्न लॉर्ड हो, शुभ हो अशुभ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लग्न लॉर्ड बनते ही उस ग्रह में शुभता आ जाती है, भले ही वो आपके मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, कोई भी हो। और यहाँ भी एक बात और क्लियर कर दूँ, अगर माना आपकी मेष लग्न है तो मंगल आपके अष्टम स्थान के भी स्वामी होंगे। तो आप लोगों का प्रश्न होगा कि मंगल मेरा आठवें घर का भी स्वामी है तो क्या अब ये खराब होगा? नहीं, लग्न लॉर्ड यानी कोई ग्रह अगर लग्न पंचम या नवम का रूलर है, यानी फर्स्ट फाइव और नाइन का रूलर है, तो उसके पास दूसरा हाउस, बिकॉज एवरी प्लैनेट रूल्स टू हाउसेस, अगर उसका दूसरा हाउस किसी खराब स्थान में भी पड़ता है, त्रिशडाय में पड़ता है, 6, 8, 12 में पड़ता है, तो भी उस ग्रह की शुभता खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। ये पाराशर जी का कथन है, मैं नहीं कह रही हूं। तो अगर लग्न लॉर्ड कोई ग्रह है तो अगर वो अष्टम का भी स्वामी है तो आपके लिए अशुभ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी हो गई। अब चलते हैं, सबसे पहली बात लग्न लॉर्ड के विषय में ये है कि लग्न लॉर्ड जहां भी जाता है उस भाव की वृद्धि करता है। लग्न लॉर्ड जहां भी जाता है उस भाव की वृद्धि करता है और उस भाव से रिलेटेड कर्म व्यक्ति सबसे ज्यादा करना चाहता है या उसका शरीर या उसकी एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा उसी भाव में प्रभाव देती है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको और समझ आ जाएगा। दूसरी बात लग्न लॉर्ड की होती है कि लग्न लॉर्ड जहां भी उठकर बैठ जाए, आपकी कुंडली के किसी भी भाव में चला जाए, तो आपकी सबसे ज़्यादा जो कंट्रोलिंग पावर होती है, मतलब वेयर यू विल एक्ट बेस्ट,
मतलब कहाँ आपकी सबसे ज़्यादा ताकत लगती है, या कहाँ आप सबसे ज़्यादा होल्ड रखना चाहते हैं, या आपका होल्ड होगा, ये भी लग्न लॉर्ड की प्रेजेंस बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लग्न लॉर्ड आठवें घर में भी चला जाए, तो जैसा कि मैंने कहा, लग्न लॉर्ड भाव की वृद्धि करता है, तो एर्थ हाउस आयु का है, लग्न लॉर्ड इन एर्थ हाउस आयुष्य के लिए ठीक है। ये और बात है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करेगा, गलतियों से सीखेगा, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, उसके जीवन में सडन रूप से कुछ एक्टिविटीज भी होंगी, थोड़ा सडननेस का जो एक एलिमेंट है अचानक होने का, वो उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा, क्योंकि लग्न लॉर्ड एर्थ में है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वो ऑकल्ट वगैरह में इंटरेस्ट रख सकता है। लेकिन आयु के लिए, यानी जो उसका विशेष कारकत तो उस भाव का होता है, उसकी वृद्धि लग्न लॉर्ड अवश्य करता है। अगर आपका लग्न लॉर्ड पंचम में है, तो आपकी बुद्धि जो है, मतलब उसकी वृद्धि हो रही है, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपकी संतान की भी वृद्धि होगी, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो अच्छी वृद्धि पा रहे हैं। दूसरा, मैंने कहा कि लग्न लॉर्ड जहां भी जाएगा, उस स्थान पर आपका संपूर्ण होल्ड होता है, आपका सबसे ज्यादा से होता है, मतलब आप सबसे ज्यादा कहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लग्न लॉर्ड टेंथ हाउस में है, तो आपके होल्ड में आपका करियर है, कर्म आपके अपने वश में है, आप अपने कर्मों को होल्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहें अच्छा कर सकते हैं, अगर आप चाहें बुरा कर सकते हैं, आप अपने करियर को, आप अपने कर्म को खुद बनाने या बिगाड़ने वाले बनेंगे। ये लग्न लॉर्ड की स्थिति पर निर्भर करेगा, वो उच्च का होगा, आप बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे, आप अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी अपने काम पर लगाएंगे, प्रसिद्धि पर लगाएंगे, आप कोई इंस्टीट्यूशन बना देंगे। लग्न लॉर्ड पीड़ित होगा, नीच का होगा, तो आप क्या होगा, आपका मन नेगेटिव तरफ लगने लगेगा, या तो आप गलत काम करने लगेंगे, या आपकी काम करने की इच्छा भी नहीं हो सकती। पर लग्न लॉर्ड टेंथ हाउस अगर बलि है, अपनी राशि में है, उच्च का है, मित्र राशि में है, तो फिर ऐसे लोग करियर पर बहुत फोकस करते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं। लग्न लॉर्ड लग्न में ही होगा, आप सबसे ज्यादा अपने शरीर पर ध्यान देंगे, आपका होल्ड आपकी बॉडी पर है, यानी कि आप बहुत फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, बनाव श्रृंगार देखभाल अपने शरीर की आप सबसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा शरीर, सबसे ज्यादा कर्म वहीं लग रहे हैं। लग्न लॉर्ड लग्न में भी लग्न की वृद्धि बताता है, यानी कि आयु की भी वृद्धि है, सम्मान की भी वृद्धि है, अकॉम्प्लिशमेंट भी होंगे, ये एक अच्छी स्थिति हो जाती है। तो ये दोनों सूत्र इस तरह से आप लगाएंगे। तीसरी बात ये कि लग्न लॉर्ड जहां भी जाता है, उस भाव के पूरे फल देने में सक्षम हो जाता है। लग्न लॉर्ड ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी दशा अंतर दशा में आपकी कुंडली के किसी भी भाव के परिणाम या रिजल्ट्स आपको दे सकता है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रिंसिपल, बहुत रेयरली कोई डिस्कस करता है कि लग्न लॉर्ड की दशा में आपकी शादी भी हो सकती है, लग्न लॉर्ड की दशा में आपकी शिक्षा भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, यानी कुंडली का कोई भी भाव हो, लग्न लॉर्ड उसके फल अपनी दशा अंतर दशा में दे सकता है। दूसरा, जिस भाव में जाता है उस भाव के मालिक से ज्यादा, जैसे कि अगर लग्न लॉर्ड दसवें घर में है, तो दसवें घर का मालिक जहां भी बैठा होगा वो तो ठीक है, वो रिजल्ट देगा, लेकिन लग्न लॉर्ड दसवें भाव के पूरे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। अगर उसका डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर का मतलब होता है जिस राशि में लग्न लॉर्ड बैठा है उस राशि का मालिक, अगर उस राशि का मालिक बहुत कमजोर स्थिति में भी हो, तो भी लग्न लॉर्ड के जाने से थोड़ा ये निश्चित हो जाता है या सुनिश्चित हो जाता है कि उस भाव का एकदम नाश नहीं होगा, या एकदम वो हाउस बिल्कुल नीचे नहीं जाकर गिर जाएगा, बिकॉज लग्न लॉर्ड हैज़ लॉट ऑफ पावर फॉर यू, आपके लिए। यहाँ पर किसी ग्रह की बात नहीं हो रही है, ये मैं फिर कह रही हूँ कि मैडम मेरा ये है तो क्या होगा, मैडम मेरा बृहस्पति है तो क्या होगा, जो भी आपका लग्न लॉर्ड बन जाएगा, क्रूर हो, सौम्य हो, कुछ भी हो, लग्न लॉर्ड इज लग्न लॉर्ड,
फर्स्ट लॉर्ड इज फर्स्ट लॉर्ड। तो लग्न लॉर्ड जिस भाव में जाता है, अगर उसका मालिक थोड़ा कमजोर भी हो तो भी आपका वो भाव एकदम समाप्त नहीं होता, उसकी धीरे धीरे करके वृद्धि होती रहती है। जिस तरह से हमारा शरीर हर साल बढ़ता है, हर वर्ष बढ़ता है, उसी तरह से लग्न लॉर्ड जिस भाव में जाता है, साल दर साल यानी एवरी ईयर आप देखेंगे कि उस भाव की वृद्धि होती है। अगर लग्न लॉर्ड अच्छा होगा तो वृद्धि होगी, और अगर लग्न लॉर्ड बहुत पीड़ित होगा, मतलब बहुत खराब स्थिति में होगा, तो फिर उस भाव का धीरे धीरे करके थोड़ा सा पतन भी हो सकता है, थोड़ा सा डिमिनिश भी कर सकता है। बट जनरली कमज़ोर लग्न लॉर्ड भी, नीच का लग्न लॉर्ड भी उस भाव को संभालने की कोशिश बहुत करता है। अगर लग्न लॉर्ड नीच का बैठा है कहीं पर, और उस जिस राशि में लग्न लॉर्ड नीच का है उसका मालिक अगर केंद्र में उच्च का हो जाए, मतलब लग्न लॉर्ड को अगर नीच भंग मिल जाए, तो आपकी कुंडली के लिए एक बहुत पावरफुल योग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वृश्चिक लग्न है, उसमें मंगल जो है नाइन्थ हाउस में नीच के हो गए, और चंद्रमा जो कि कर्क का मालिक है वो अगर केंद्र में कहीं उच्च का हो जाए, तो ये व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे शनह शनह ईच एंड एवरी ईयर ग्रो कर जाएगा। क्योंकि लग्न का मतलब हर साल बढ़ना है। जहां भी लग्न लौट जाएगा वहां पर आपको धीरे धीरे करके वृद्धि अवश्य करवाएगा, यानी जब तक आप जीवित हैं। अगर दसवें में है लग्न लौट, ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि एग्जाम्पल एक ही ले रही हूं, तो आपका करियर धीरे 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 करके हर साल कुछ ना कुछ उसमें आप बढ़त देखेंगे, और हो सकता है कि आप अपने जीवन के मतलब सेकेंड हाफ में उसके पीक पर पहुंचे। क्योंकि अर्ली एज में मैंने कहा ना, धीरे धीरे बढ़ता है, एक एक साल बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को दिखाई पड़ सकता है कि अर्ली लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अचीवमेंट्स बढ़ रहे हैं। आपका लग्न लॉर्ड दूसरे घर में हो, धन की यही स्थिति हो जाएगी, आप अपने कुटुंब की वृद्धि होगी, आपके कुटुंब की वृद्धि होगी, आपके धन की वृद्धि होगी। इसी तरह तीसरे घर में आ जाए लग्न लॉर्ड, तो आपके फ्रेंड्स की, आपके छोटे भाई बहनों की, आपके पराक्रम की धीरे धीरे वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव में आ जाए आपके एसेट्स, आपके घर का सुख, आपका लग्जरी व्हीकल्स, वाहन आपके धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, आप सबसे ज़्यादा प्रयास वही करने का करेंगे। पंचम आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि भी धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब आप शुरू में हो सकता है बिल्कुल बेलॉस बेहिसाब रहने वाले हो, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो प्रिसिशन है, जो इंटेलिजेंस है, जो विजडम है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, आप मैच्योर होते चले जाएंगे। आपकी संतान की भी धीरे धीरे वृद्धि देखेंगे। छठे घर में है, आप कहेंगे रोग की वृद्धि हो जाएगी, हो सकती है रोग की भी वृद्धि, लेकिन आप रोग से लड़ने में लग्न लॉर्ड काफ़ी मदद करता है। हाँ, ये सच है कि थोड़े बहुत रोग हो सकते हैं आपको, ऋण आपको थोड़ा सा सोच समझ कर लेना चाहिए। आप अपनी शत्रुता भी कम बढ़ाइए, क्योंकि आप थोड़ा आ बैल मुझे मार वाली हैबिट हो सकती है। लग्न लॉर्ड सेवेंथ में होगा, आपके कार्य की व्यवसाय की धीरे धीरे करके उन्नति होगी। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के ऊपर अपना पूरा प्रभुत्व दिखाना चाहेंगे, लाइक इफ यू वॉन्ट टू होल्ड योर वाइफ और हस्बैंड, कि मतलब मैं मेरे जैसा बन जाओ, तो मैरिज में थोड़ी सी ये दिक्कत, क्योंकि आपका प्रभाव कहाँ बढ़ रहा है, लग्न कहाँ बढ़ रही है, सेवेंथ हाउस में। आप जैसे जैसे अपना प्रभाव अपने पति या पत्नी के ऊपर बढ़ाएंगे, वो आपसे थोड़ा सा फ्रंट होने लगेंगे, हर को अपनी आज़ादी पसंद है। एट्थ हाउस की बात मैंने ऑलरेडी कर दी, आयु के लिए ठीक है, ऐसे लोग अपनी गलतियाँ करके धीरे धीरे करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ हाउस पिता के लिए अच्छा है, पिता की वृद्धि होगी, आपके धर्म की वृद्धि होगी। ऐसे लोग भी जिसका लग्न लॉर्ड नाइन्थ में हो, शुरू में हो सकता है बिल्कुल धर्म को नहीं मानते हों, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली वो धर्म में भी प्रवीण हो जाते हैं, धर्म में वृद्धि होती है, पिता की वृद्धि होती है, आप विदेशों की यात्राएँ कर सकते हैं। ठीक है, दसवें घर में लग्न लॉर्ड, मैंने कई बार बता दिया, इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट, धीरे धीरे आपका करियर आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आपका लग्न लॉर्ड अगर 11वें घर में है, तो आपकी सोशल प्रेजेंस, आपके बड़े भाई बहनों की वृद्धि धीरे धीरे हो सकती है। आगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप अवार्ड्स वगैरह पा सकते हैं, अच्छी इनकम ग्रुप में आ सकते हैं। लग्न लॉर्ड 12वें घर में है, ये स्थिति थोड़ी सी ट्रिकी है, यहाँ ये जरूर देखना होगा कि लग्न लॉर्ड को कमज़ोर नहीं होना है।
अगर लग्न लॉर्ड यहाँ पर कमजोर होगा तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लग्न का क्षय होगा ना, मतलब धीरे धीरे व्यय होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कम होगा। पर अगर आप विदेश वगैरह चले जाते हैं तो लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस आपकी वहां पर वृद्धि कर देगा, मतलब वैसे 12वें घर में है और आप वहीं रह रहे हैं जहां आप पैदा हुए या उसी देश में, तो आपके लिए मुश्किल होगी। आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाइए, विदेश चले जाइए, तो यहां भी ये लग्न लॉर्ड आपकी मदद ही कर देगा। इन शॉर्ट, लग्न लॉर्ड आपकी कुंडली के जिस भाव में जहां जाएगा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। ये एक सेवियोर है, आपकी कुंडली की एक ब्लेसिंग है। अपने लग्न लॉर्ड को मजबूत करें। जो भी लग्न का स्वामी है, उसके जो भी डेटी हैं, उनकी पूजा अवश्य करें। मंगल है, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। शुक्र है, लक्ष्मी जी की पूजा कर लीजिए। मिथुन है, आप विष्णु जी की पूजा कर लीजिए। कर्क है, देवी पार्वती की पूजा कर लीजिए। अगर आपकी सिंह लग्न है, सूर्य की आराधना कीजिए। कन्या लग्न है, फिर से विष्णु जी की कर लीजिए। साथ है, लिब्रा है, तो भी आप दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं शुक्र के लिए। आठवां घर मंगल है, तो फिर से हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। नवा घर यानी कि नौवीं राशि धनु लग्न है अगर आपकी, तो आप गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी लग्न शनि की लग्न है तो आप शिव जी की आराधना करें, आपके लिए सबसे अच्छा होगा। फिर लास्ट होती है आपकी बृहस्पति की लग्न, तो अगेन या तो आप शिव जी की आराधना करें या गुरु के मंत्रों का जाप भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। विष्णु जी की आराधना भी आप कर सकते हैं। जरूर अपने लग्न लॉर्ड का मतलब इस्तेमाल कीजिए, उसकी ताकत को पहचानिए, आपके जीवन में वृद्धि देने वाला है। धन्यवाद।